दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो के अंदर। आज का जो रेस्क्यू कॉल मिला है वो है मोही बुजुर्ग, और इसका थाना सिकरीगंज और जिला जो है गोरखपुर के अंतर्गत है। और ये किसी घर में नहीं सांप दिखा है, घर के सामने खुली मैदान है, खुली वातावरण है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी खुली वातावरण के अंदर यहाँ पे एक होल दिख रहा है, तो यहाँ पे सांप इन लोगों के बताने के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ लोग भैया लोग हैं इसमें सांप दिखा था। फिर इसके बाद यहाँ पे भी होल वगैरह है, तो कार्य शुरू हो चुका है। और यही भैया जो थे सूचना दिए थे, इन्होंने बताया कि सांप यहाँ पे था। सूचना आपने दिया था ना? हाँ, सूचना आपने दिया था। तो चलो दोस्तों बने रहो वीडियो के अंदर, इसकी खुदाई करके डिटेल में चेक करते हैं कि सांप कहाँ पे है। सांप मिलता है तो आपके सामने दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे खुदाई चालू हो चुकी है, अब इसको खोद के जहाँ जहाँ होल दिख रहा है वहाँ पे खोदेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। खुदाई करके चेक किया जाएगा, अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, फर्दर नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन पानी चलवाया जाएगा। और ये हाईवे के जस्ट बगल में ही है, देख सकते हैं यहाँ पे लोग बाग आ गए हैं देखने के लिए। और ये हाईवे है, कहीं ना कहीं ये गोरखपुर से गोला बाजार को कनेक्ट करता है। तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को देखते रहिए। और देखिए करीब करीब, नहीं तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब करीब 2 घंटे की अथक खुदाई के बाद, बहुत सारा खुदाई करना पड़ा, 2 घंटे तक खुदाई करना पड़ा कई सारे लोगों के माध्यम से, तो जाके कहीं ना कहीं हमें होल देखने को मिली। और देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी क्लीन क्लीन नीट एंड क्लीन होल है, बिल है, तो कहीं ना कहीं हमारी संभावना बढ़ती जा रही है कि सांप इसके अंदर होगा। अब दोस्तों खुदाई करके हम लोग थक चुके हैं, खुदाई से निकलेगा नहीं, तो अभी हमारा दिमाग यही कहता है कि इसमें हम क्या करेंगे, मोटर से या फिर किसी तरीके से इसमें पानी चलवा देते हैं, अगर सांप होगा तो ऑक्सीजन के लिए बाहर आएगा। दोस्तों ये जो भीड़ दिख रही है आप लोगों को, स्टैंड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पर स्नेक रेस्क्यू हो रहा है, वहीं पर खुदाई हो रही है। और बात ऐसी है कि दोस्तों बहुत ही अंदर होल बड़े बड़े मिल रहे हैं, और काफ़ी पेड़ पौधे वहाँ पे हैं, तो उनकी जड़ें वहाँ पे हैं, हो सकता है कि वो जड़ों के अंदर चला गया हो। तो खुदाई करने के लिए कोई रेडी भी नहीं हो रहा है, और ना ही JCB उपलब्ध है यहाँ पे, और मोहित सर अकेले खोदते खोदते थक गए हैं। तो अभी उनका दिमाग और हम प्लानिंग यही कर रहे हैं कि एक काम करें कि क्यों ना हम इस पूरे यूनिट में जहाँ जहाँ होल दिख रहा है वहाँ पर हम पानी चलवा दें। तो मोटर के पानी चलाने से तो सांप निकलेगा नहीं, दिन भर पानी चलाते रह जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कोई बड़ा सा पंपिंग सेट से पानी निकलता है। ये हमारे यहाँ कुछ लोग यहीं के हैं, ये लोग ये क्या बोलते हैं इसको यार, इसको क्या बोलते हैं सर, पाइप बिछा रहे हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी दूर पर इंजन है, तो इस तरीके से यहाँ पर पानी चलवाया जाएगा ताकि स्नेक निकल जाए। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे पानी चलवा दिया है और पानी आ गया, तो थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे पानी से फूल हो जाएगा। दोस्तों फाइनली यहाँ पे देखिए हम खुदाई कर रहे थे, हल्ला मत करिए, और किसी भाई ने बोला इधर से सांप निकल रहा। तो ये देखिए ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और ये काफी बिग साइज का दोस्तों, और यहाँ पे ये किस तरीके से निकल रहा था। और एक मिनट, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम इधर खुदाई देख रहे थे, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा था इधर सांप निकलेगा, बट ये कहीं ना कहीं पेड़ के शोर के नीचे इधर से निकला। और सबसे पहले इस भाई ने देखा, भाई सबसे पहले तुमने सांप देखा? हाँ, तो दोस्तों इसने सांप देखा उधर से निकला, और तुरंत हमने वीडियो चालू करके दिखाया आपको, ये काफी भयंकर सांप है, और ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। उसका मुंह पकड़ के दिखाइए, वहाँ नहीं कहीं और पकड़िए मुंह, क्या हुआ? तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसने कुछ चोट लगा है, और ये देख सकते हैं, ओ माय गॉड, बाप रे बाप, भैया लाइट मत चलाओ ना यार, रुक जाओ ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्नेक को चोट लगा, और पहले चोट लग चुका है इसको, देख सकते हैं यहाँ पे एक चोट लगा है, और एक चोट यहाँ पे लग चुका है। भैया इसको मारा गया था क्या पहले? पहले कोई मारा था, कोई मारा था, ढेला से कोई मारा था, ढेला से तो नहीं मारा गया यार, ढेला से मारा गया, और कुछ कोई चीज से मारा नहीं है कोई। जिन्होंने मुझे फोन किया था वो कहाँ है? आप ही है, सही सही बताइए ईमानदारी से, कैमरे के सामने कोई मारा है इसको? कुछ होगा नहीं आपको? कोई मारा नहीं, कोई ढेला से मारा, बस और कुछ नहीं किया कोई, जैसे जा रहा था ये बाहर निकला होता था, मान लीजिए सांप है तो कोई सांप कोई। दोस्तों यहाँ एक सेकंड, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है हाईवे, यहाँ पे कोई ना कोई जो कि कहीं ना कहीं गोरखपुर से ये गोला बाजार को कनेक्ट करता है, और इसमें एक इन लोगों के कहने के अकॉर्डिंग रोड पे चल रहा था तो इसको एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी इसको चोट लगा है, तो खैर इसको ऑपरेशन करवाते हैं सर, ऑपरेशन करवाते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। चलिए इसको पैक करिए, चलिए पहले इसको पानी से वॉश कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा। पानी से वॉश करने के बाद कुछ जानकारी दीजिए, तुरंत ले चलिए इसको हॉस्पिटल। चलिए दोस्तों इस सांप को अभी क्या करेंगे, वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इसको ऑपरेशन करवाएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा, फर्दर हम कुछ दिनों के बाद इसको रिलीज करेंगे आफ्टर 1 or 2 days। और खैर अभी देख सकते हैं हम ऐसे लोकेशन पे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी रेस्क्यू कॉल में पहली बार इतना ज़्यादा भीड़ लगी है,
ये देख सकते हैं। नहीं आज की जो भीड़ है वो कुछ काफी ज्यादा है, देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ भीड़ टोटली डिटेल में दिखा रहा हूँ, खाने चले गए। और बाकी मैं यही कहूंगा सभी से दोस्तों कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब करा करें। देखिए कितनी भीड़ लगी दोस्तों, ओ माय गॉड। तो चलिए इस स्नेक को पहले वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद ट्रीटमेंट करवाते हैं और जानकारी देते हैं आपको। चलिए दोस्तों इसको पहले वॉश करते हैं ताकि मिट्टी लगी हुई इसके जख्मों पर तो इन्फेक्शन का खतरा है, तो पहले वॉश करके तत्काल इसमें हल्दी अप्लाई कर दिया जाएगा ताकि इन्फेक्शन बिल्कुल ना फैले। इसको ऑपरेशन करने से ही होगा सर, बहुत ज्यादा लगा। तत्काल में हल्दी लगाया जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन के लिए इसको सेंटर ले जाया जाएगा। चलिए तो दोस्तों इस स्नेक को मारा गया है या एक्सीडेंट हुआ है या फिर नेवले से लड़ाई हुई है, कैसे इसको चोट लगा है, ये हम भी अचंभित है, हमको भी नहीं पता चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस स्नेक को मारा गया है किस मतलब नेवले ने काटा है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपके सामने खुदाई हुई है, खुदाई के दौरान तो इसको कोई चोट नहीं लगा है और कहीं ना कहीं खुदाई के बाद जैसे पानी चलवाए तो पानी चलते ही कहीं ना कहीं पेड़ों के जड़ों से बाहर निकला और बाहर निकलते ही कुछ देर के बाद हमने देखा कि इसको चोट लगा है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये निकलते हुट नहीं लिया और कहीं ना कहीं इसको चोट जो बहुत गहरा जख्म लगा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चोट लगा है। तो अब ये जख्म कैसे लगा है क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ सच्चाई क्या हो सकती है, या तो इसको मुझे लगता है मारा गया है या फिर कहीं ना कहीं सांप से और नेवले से लड़ाई होगी तब ऐसा चोट उसको आ सकती है। ये वाला तो लगभग ठीक होना चाहिए। हाँ ये ठीक होने वाला है, इसको वॉश करिए। और ये वाला काफी भयंकर तरीके से हो चुका है, अगर ऐसे रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा इसके ज्यादा। पहले का चोट है, सब पहले का तत्काल कहीं ये सही हो सकता है, होगा ही होगा, सही होगा। चलिए वॉश करिए उसका, वो भी थोड़ा हल्का बचा के। चोट दिखाई तो देखिए दोस्तों कितना भयंकर तरीके से यहाँ पे इसको चोट लगा है, ओ माय गॉड। और एक यहाँ लगा हुआ है दोस्तों, ये दो चोट लगा है इसको काफी भयंकर तरीके से, ये वाला काफी दर्दनाक है। देखिए दोस्तों ये काफी दर्दनाक है, अब इसका पूरा नली वली भी कट गया दोस्तों। खैर नहीं नली नहीं कटा, बताया देखिए नली नहीं है, नली बिल्कुल से चोट। चलिए दोस्तों अब इसको और अच्छे तरीके से इसका मुंह भी वॉश करते हैं और फिर इसको छोड़ेंगे। लोकल भाषा में गेहुअन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, लेकिन यूपी बिहार में गेहुअन, नाग, ट्विटर, पलटू, खरीस इत्यादि नामों से अपने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इसे जानते हैं। न्यूरोटॉक्सिन नामक इसके अंदर जहर पाया जाता है, जब ये किसी को काटता है तो 45 मिनट का टाइम देता है, 12 मिलीग्राम जहर बॉडी में इंजेक्ट करता है, उससे अधिक भी कर सकता है लेकिन कम नहीं करता है। और जब भी ऐसा सांप काटता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए और प्राथमिक उपचार कराए, क्योंकि एकमात्र जो जान बचा सकता है वो आपका स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन ही है जो आपका जान बचाएगा। ज्यादा डिटेल नहीं देगा इसके बारे में क्योंकि ये पहले चोटी ले, इसको ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। पहले हल्दी अप्लाई करते हैं, इसको पैक करते हैं, तुरंत इसको हॉस्पिटल लेकर निकलते हैं इसके इलाज के लिए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए समय प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक। चलिए दोस्तों इसको पहले टर्मरिक पाउडर लगाते हैं, हल्दी जो एंटीबायोटिक का काम करेगा, तो फटाफट से इस सांप को टर्मरिक पाउडर लगाते हैं फिर लेके हॉस्पिटल चलते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। पहले हल्दी अपने अप्लाई कर दिया, ये एंटीबायोटिक का काम करेगा और आगे का जो इसका ट्रीटमेंट होगा और डॉक्टरों के द्वारा होगा, क्योंकि ये हमारे बस का केस नहीं है, काफी ज्यादा इसका स्किन फट चुका है तो अपन डॉक्टर से मिलेंगे। लेकिन अभी तत्काल के लिए इसे हल्दी अप्लाई किया ताकि एंटीबायोटिक का दिक्कत ना हो। मानिए डॉक्टर साहब, बंद हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि हमारा काम कैसा लगता है दोस्तों। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों इस सांप के बारे में बताऊंगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, टर्मरिक पाउडर लगा के इसको घर लेके चलते, फिर अपने चौराहे पे चल के यानी हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे चल के जहाँ पे जीवो को हॉस्पिटल है, जीवो के डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे।